सो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बताऊंगा कैसे आप फेसबुक पर रील्स देख के पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक आप वीडियो देखकर इजीली पैसे कमा सकते हैं, महीने का 40,000 भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है उसमें। तो अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपने मॉल की स्क्रीन पर, मॉल की स्क्रीन पर आने वाले यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का पेज कर लेना ओपन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का पेज कर लिया ओपन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का पेज कर लिया ओपन। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो वाले आइकन पे करना है क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे 8 मिलियन व्यूज आए हैं और इस पे 2 मिलियन व्यूज आए हैं और इस पे देख सकते हैं आप 5,000 व्यूज आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिलियन व्यूज आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख व्यूज आए हैं। लाखों में मिलियंस में यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये फालतू में यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, इनसे पैसा भी आप काफी अच्छा ये कमा रहे हैं। और आप भी इन वीडियो को देखकर पैसा कमा सकते हैं इजीली। मैं आपको बताऊँ कौन से तरीके हैं इनको देख के कमाने के पैसे। अब मैं आपको तरीका बताऊँ कैसे आपको रील्स देख के पैसे कमाने हैं। तो आपको है ना होम वाले ऑप्शन पे, होम वाले ऑप्शन पे आने वाले यहाँ पे आपको रील्स वाले ऑप्शन पे आपको कर लेना है क्लिक। अब रील्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करने हो, जो आपको पहले रील्स दिखती है ना, उस पर आपको करना है क्लिक। जो भी रील्स आपको दिखाई देती है वो ट्रेंडिंग रील्स होती हैं, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे पहले रील्स रिवाज यहाँ पर दे सकते हैं, इसके 6,000 से ज़्यादा लाइक्स आए हैं। इसको हम थोड़ा और ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे 29,000 यहाँ पे लाइक्स आए हैं। यहाँ पर हम और ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लाख से ऊपर ज़्यादा लाइक आए हैं। तो बस आपको यहाँ पे छोटा सा एक काम करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थीवर्ड पे करना है क्लिक। रिमिक्स वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, रिमिक्स वीडियो आपको यहाँ पे लिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आप सोचेंगे इस पर मतलब कि हमको अपना फेस वगैरह दिखाना पड़ेगा, वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ना अपना फेस दिखाना, ना आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करनी, ना कुछ भी नहीं करना आपको। बस खाली आपको यहाँ पे हल्की सी क्रिएटिविटी दिखानी है आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने पीछे ब्लू पेपर लगा रखा है, मतलब कि कुछ दिखाई ना दे। अब यहाँ पर मैं अपना फेस भी नहीं दिखा रहा हूँ इस वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे मेरी रील्स बन के हो चुकी है तैयार। अब आपको यहाँ पे स्टिकर वाले आइकन पे करना है क्लिक। यहाँ से हम एक स्टिकर ले लेते हैं बढ़िया सा, इसको स्टिकर को हम ले लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं ना। इस स्टिकर को हमने यहाँ पे लगा लिया है ना। अब हमको यहाँ पे टैक्स पे करना है क्लिक। टैक्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि मौज कर दी भाई ने। तो यहाँ पे मैं लिख दिया मौज कर दी भाई ने। इसको लिखकर हम यहाँ थोड़ा हल्का छोटा कर लेते हैं, ऐसा हमको छोटा करके यहाँ लगा लेते हैं ना, ऐसा करके। फिर आपको यहाँ पे दोबारा से स्टिकर वाले आइकन पे करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक इमोजी ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं कूल वाले, इसको ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐसे हम यहाँ कर लेते हैं ना। फिर दोबारा हम स्टिकर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे कोई इमोजी ले लेते हैं जो रिएक्शन उसका सही हो। जैसे इस वाले इमोजी को मैं यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ लगा लेता हूँ। तो ऐसा आपको अपनी मतलब स्टिकर पे क्लिक करके लिख कर ऐसा आपको थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी है। ऐसा आपको मतलब पूरी रील्स आपको बना लेनी है, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, ना आपको वॉइस ओवर यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर कैमरा आपको दबा लेना है, दबाने के बाद मतलब ना आपका फेस दिखेगा, ना आपको मतलब ना आपको वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। ऐसा आपको मतलब स्टिकर क्लिक करके और मतलब टेक्स्ट वगैरह टेक्स्ट में कुछ लिखकर मतलब वीडियो से रिलेटिव कुछ लिखकर और वीडियो से रिलेटिव कुछ स्टिकर लगाकर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देना क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग लिखने हैं। यहाँ पर मतलब आपको इस वीडियो से रिलेटिव 5-6 हैशटैग लिख देने हैं जो ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हैशटैग कूल, यहाँ पे लिख दूंगा हैशटैग एडवेंचर, हैशटैग रिवर, हैशटैग जंप लिख दूंगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैंने हैशटैग जंप लिख दिया। ऐसे आपको यहाँ पे 5-6 हैशटैग लगा देना अपने वीडियो से रिलेटिव। और यहाँ पे मैं हैशटैग ट्रेंडिंग लिख दूंगा, हैशटैग वायरल वीडियो लिख दूंगा, हैशटैग ट्रेंडिंग रील्स, हैशटैग वायरल रील्स। तो ऐसे आपको यहाँ पे 7-8 हैशटैग लगा देने हैं। हैशटैग लगाने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड टॉपिक पर करना है क्लिक। ऐड टॉपिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मुझे एक भी टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि तो यहाँ पे मैं एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिटनेस टिप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पोर्ट एंटरटेनमेंट पर कर लेता हूँ क्लिक। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद इसको कर लूँगा मैं सेव। अब सेव करने के बाद हमको यहाँ पे शेयर पे कर देना, शेयर नाउ पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो रही है अपलोड। तो ऐसा आपको यहाँ पे काम करना है। ऐसे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना, जो भी रील्स आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग में दिखे नहीं, उस पर ज़्यादा लाइक्स हो या तो कमेंट हो, तो उसको आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे कर लेना क्लिक। रिमेक्स दिस रील्स पे आपको क्लिक करके और अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाकर और उसको बना लेना है उस रील्स को। तो ऐसा आपको ये काम करना चाहिए कि आप इस रील्स को देख सकते हो, इसको आप थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको रिमेक्स दिस को भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे जैसे बहुत सारे रील्स हैं इनको आप बना सकते हो। आपको मतलब दिन में 5-6 रील्स आपको बनानी है, 5-6 बनाने के बाद आपको मतलब 10 या 12 दिन में आपका पेज हो जाएगा मोनेटाइज। ऐसा आपको यहाँ पे पैसे कमाने हैं। यहाँ पे आपको 800 रील्स से आपको यहाँ पे पैसे काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। इसका क्राइटेरिया होता है 5 फॉलोअर आपको चाहिए और
60,000 मिनट चाहिए। अगर आपकी कोई भी एक रील वायरल होगी ना, उससे मतलब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। आपके 5,000 फॉलोवर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके मतलब कि 60,000 मिनट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जो वीडियो कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय।